गाइस सेल का सीजन ऑन हो चुका है, कहीं फ्लिपकार्ट पर अच्छी डील है तो कहीं अमेजोन पर, कहीं रियलमी के फ़ोन पर अच्छी डील मिल रही है तो कहीं रेडमी के फ़ोन पर। ऐसी ही दो डील्स हैं जो काफ़ी अच्छी हैं और आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करती हैं। एक है रियलमी 7i जो अंडर 12,000 आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करता है, और एक तरफ है रेडमी का नोट 9 जो आपको 11,000 से नीचे एक पंच होल डिस्प्ले, एक फुल HD प्लस डिस्प्ले और साथ में 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं दोनों के कंपैरिजन को और बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी डील आपके लिए बेटर हो सकती है। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको दोनों में ही पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, बट यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है इनकी क्वालिटी में। फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलती है यहाँ पर देखने के लिए रेडमी के नोट 9 में, बट यहाँ पर आपको जो रियलमी का 7 है वहाँ पर आपको केवल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, बट दोनों में पंच होल है तो देखने में काफ़ी ठीक लगती है, बट आउटडोर यूज़ करने में आपको दिक्कत हो सकती है और धूप वगैरह में जब हम किसी HD प्लस डिस्प्ले को यूज़ करते हैं तो कुछ कलर बहुत ज़्यादा फेड हो जाते हैं और फुल HD प्लस में ये दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती। तो Redmi Note 9 तो यहाँ पर डिस्प्ले में बाजी मार लेता है फाइनली। वार्निंग ओवर ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको देखने के लिए मिलती है Redmi Note 9 में, बट यहाँ पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन के बारे में बताया नहीं गया है। बाकी बस इतना कहा गया कि हाँ वार्निंग ओवर ग्लास की प्रोटेक्शन है, बट कौन सी है इसका जिक्र नहीं किया गया है। मे बी लेस देन 3 या फिर 3 हो सकती है। इसके अलावा जो आपको बैक कैमरा मिलता है दोनों में ही आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद EIS आपको देखने के लिए मिलता है रियलमी 7i में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वहीं Redmi Note 9 की बात करते हैं, वहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर आपको EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपकी जो वीडियो वगैरह बनाने का अगर आपको शौक है तो आपकी वीडियो में स्टेबिलिटी नहीं आएगी Redmi Note 9 में। Realme 7i में आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो तीनों कैमराज हैं वो लगभग सेम ही हैं। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 64 मेगापिक्सल और एक है हमारा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल, दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। ऊपर से EIS का सपोर्ट आपको Redmi के Note 9 में नहीं मिल रहा है, ये एक कॉन्स है Redmi के Note 9 का। बट वहाँ पर आपको 64 भी मिल रहा है और ऊपर से वहाँ पर आपको EIS का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर आप बैक कैमरा से वीडियोस वगैरह बनाना पसंद करते हैं तो आपकी जो वीडियोस हैं उसमें स्टेबिलिटी आपके Realme 7i में आएगी। तो बैक कैमरा के मामले में मैं यहाँ पर Realme 7i को एक क्लियर विनर कह सकता हूँ। बाकी अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरे में भी काफ़ी डिफरेंस है। 16 मेगापिक्सल आपको मिलता है Realme 7i में और 13 मेगापिक्सल आपको देखने के लिए मिलता है Redmi के Note 9 में। तो यहाँ पर भी बैक कैमरे के हिसाब से ही और ऐसे ही फ्रंट कैमरे के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। सेल्फी काफ़ी अच्छी मिलती है Realme 7i में 16 मेगापिक्सल की, हालांकि इतना फ़र्क आपको नहीं दिखेगा बट ज़्यादा है तो ज़्यादा तो है ही। और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कितना अच्छा अपना कैमरा ऑप्टिमाइज़ कर पाती है, और इस मामले में तो Realme थोड़ा सा Redmi से पीछे ही रहता है। तो ओवरऑल हम सेल्फी को आसपास ही कह सकते हैं, बट बैक कैमरे में यहाँ पर क्लियर विनर है Realme का 7i। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। आपको स्नैपड्रैगन का 662 देखने के लिए मिलता है और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो आपको UFS 2.1 का जो स्टोरेज है वो भी देखने के लिए मिल जाती है, और वहाँ पर आपको EMMC 5.1 मिलती है Redmi Note 9 में क्योंकि वहाँ पर आपको MediaTek का Helio G85 देखने के लिए मिलता है। तो डिफरेंस परफॉर्मेंस में आ जाता है। A73 की कोर से हालांकि 662 में, बट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो एक बैलेंस परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। नॉर्मल गेमिंग आप कर पाओगे, थोड़ी हाई एंड गेमिंग नहीं कर पाओगे बट मीडियम गेमिंग आप कर सकते हो। सेम सी ही गेमिंग लगभग आप MediaTek के Helio G85 में कर पाओगे, बट यहाँ पर आपको थोड़े से हीटिंग इश्यूज़ वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि G85 में जो आपका GPU है वो 1 GHz तक क्लॉक है, और जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होती है आपकी उतना ही आपका प्रोसेसर हीट भी करता है, और ऊपर से 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है तो फैब्रिकेशन प्रोसेस भी ज़्यादा है और आपका जो क्लॉक स्पीड है GPU की वो भी ज़्यादा है। तो गेमिंग के टाइम पे हीटिंग इश्यूज थोड़े ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे G85 में, बट 662 में आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। तो मैं हमेशा से ही यहाँ पर स्नैपड्रैगन को प्रीफर करता हूँ MediaTek से ऊपर। तो परफॉर्मेंस में मैं दोनों का लगभग बराबर कह सकता हूँ, हालांकि अंतुतु स्कोर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। 180,000 के आसपास जो अंतुतु स्कोर आता है वो आता है Realme 7i का, और 210,000 के आसपास जो अंतुतु स्कोर आता है वो आता है Redmi Note 9 का। तो 30,000 का जो अंतुतु स्कोर है उसमें डिफरेंस है, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी डिफाइंड बाय अंतुतु स्कोर, ये बात ध्यान रखने वाली है। हम हर चीज़ को अंतुतु स्कोर से डिफाइन नहीं कर सकते,
आपको बैटरी एफिशिएंसी 662 में अच्छी मिलेगी, बैलेंस परफॉर्मेंस 662 में मिलेगी। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आप 662 की तरफ जा सकते हैं, G85 में आप लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं जा सकते। और UFS 2.1 का सपोर्ट भी आपको 662 में मिलता है, और यहाँ पर आपको Realme 7i में वो मिला हुआ है कि यहाँ पर आपको केवल eMMC 5.1 स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। परफॉर्मेंस में हम दोनों को बराबर बराबर रख सकते हैं, किसी को भी हम ऊपर और किसी को भी नीचे नहीं कह सकते, बट मैं फिर भी स्नैपड्रैगन 662 की तरफ जाना चाहूँगा। इसके अलावा हम बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बैटरी दोनों में आपको सेम मिली है 5000 mAh की, और चार्जिंग स्पीड में आपको लगभग सेम ही मिलती है 18 वाट की। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स आपको रेडमी के नोट 9 में मिलता है 22.5 वाट का चार्जर, बट वो सपोर्ट ही 18 वाट करता है, तो आउटपुट भी आपको 18 वाट ही देखने के लिए मिलेगा। तो बैटरी डिपार्टमेंट चार्जिंग डिपार्टमेंट ऑलवेज सेम रहेगा यहाँ पर, बट जो बैटरी एफिशिएंसी है वो स्नैपड्रैगन 662 11 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट होने की वजह से काफ़ी अच्छी रहेगी रियलमी के 7i में। तो ये एक थोड़ा सा बेटर पॉइंट रियलमी 7i को मिल जाता है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं फाइनली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रियलमी का 7i आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है, भले ही वो 1000 rupees एक्स्ट्रा है। अगर आपको फुल HD+ डिस्प्ले नहीं चाहिए, HD+ से आपका काम चल सकता है, देन आप आराम से Realme 7i की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 64 megapixel का ऑप्शन विद EIS आपको मिल रहा है, 16 megapixel की सेल्फी आपको मिल रही है, जबकि यहाँ पर आपकी सेल्फी में भी कटौती हो रही है, और बैक साइड में 48 megapixel भी मिल रहा है, और वहाँ पर भी EIS का सपोर्ट आपको नहीं मिलता। UFS 2.1 आपको स्नैपड्रैगन 662 में मिलेगी, और eMMC 5.1 मिलती है आपको Redmi के नोट 9 में। थोड़े से कॉन्स हैं, बट यहाँ पर आपको एक फ़ायदा मिल जाता है फुल HD+ डिस्प्ले का। अगर आप अपने डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको फुल HD+ चाहिए, और आप वीडियोस इतने रिकॉर्ड नहीं करते हैं बैक कैमरा से, देन आप Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं फिर भी Realme 7i को एक हल्की सी एज देता और उसकी तरफ चला जाता। यहाँ पर हम फाइनली कह सकते हैं स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होने की वजह से, 64 megapixel विद EIS होने की वजह से, सिर्फ इन दो कारणों की वजह से हमारा जो Realme 7i है वो एक विनर बन जाता है। बाकी आपका क्या है ओपिनियन, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं आप। मैं आपके जो ओपिनियन हैं उनको सभी को पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने आपकी वजह से, आपके रिकमेंड करने पर मैंने ये फ़ोन ले लिया है। तो आप बेफिक्र रहिएगा, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दूंगा, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ही मैं हमेशा आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको भी दुख ना हो और मैं भी अपने जो डिसीजन से हैं वो परेशान ना रहूं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।